अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव को नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी ने काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने अपर्णा को बीजेपी में जाने की बधाई भी दी। क्या अखिलेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर वह बोले कि मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति से ही चुनाव लड़ूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने हमें जिताया था। बता दें कि अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं। बुधवार को ही उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा सामने आई थी। अखिलेश यादव ने यह वादा भी किया कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पर पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद महिला को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। पिछली सपा सरकार में 6,000 रुपए दिए जाते थे। अखिलेश यादव बोले कि सबसे ज्यादा अकाउंट खाते सपा ने खुलवाए थे। सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांच और अकाउंट में सीधे पैसा जाने का काम भी सपा में ही हुआ था। अपर्णा से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे पहले मैं बधाई और शुभकामना दूंगा। सपा विचारधारा का विस्तार हो रहा है, मुझे उम्मीद है वहां भी हमारी विचारधारा होगी। नेताजी ने उन्हें बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा क्या टिकट नहीं मिलने पर गई? इस पर अखिलेश बोले, टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं। यह इंटरनल रिपोर्ट और जनता के मन पर निर्भर होता है कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।